हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्टर आशु व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। पीछे वाले भाई देख रहे हैं लेकिन मैं उनको नहीं देख सकता हूँ। अगर उनको देखना है तो हाई कर सकते हैं। को स्टार्ट कर रहा हूँ गाइज। मैं अभी जाने वाला हूँ वर्सो आराम नगर, बट शाम का टाइम हो चुका है। इट वॉज नाउ इवनिंग एट 6:30 PM। लेकिन मुझे वहाँ पे कुछ काम था और एक दो फ्रेंड भी है जिनसे मिलना है, कुछ बातचीत भी करनी थी एंड ऑल। सो मैं जा ही रहा हूँ तो मैंने सोचा कि व्लॉग बनाते हुए जाऊँ। और इस वक्त मतलब ऐसा है कि शाम हो जाएगा और दिन का जो उजाला है वो बिल्कुल ढल जाएगा, बट कोशिश करूँगा कि मैं व्लॉग कवर करूँ, कास्टिंग ऑफिस जाऊँ एंड उसके बाद जाने के बाद में अगर कुछ रहा मेल आई डी या समथिंग तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कवर करने के लिए। तो बस मेट्रो में हूँ अब, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं व्लॉग। अब अंधेरी से जाएंगे वर्सोवा, वर्सोवा से चलेंगे आराम नगर, आराम नगर पहुँचने के बाद ही जो है चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल एक्टर आशु व्लॉग्स। और जो लोग मेरे इस चैनल पर न्यू है तो कृपया करके आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, ठीक है। ये मैं मेट्रो पे हूँ गाइज, ये मेट्रो देख सकते हैं। अभी ट्रेन आएगी, ट्रेन आने के बाद हम यहाँ पर बैठेंगे। भाई जा रहे हैं, ये इनको जाने दीजिए। बाकी ट्रेन आएगी तो ट्रेन में बैठेंगे। और मैं कह रहा था कि पहुँचेंगे वर्सोवा, सो लेट्स एक्सप्लोर। ये देख सकते हैं मैम भी जा रहे हैं। कोई तो हाई करो यार, कोई भी हाई नहीं करता है कैमरा देख के बस। अभी देख सकते हैं गाइज, इतने रात में फर्स्ट टाइम मैं वीडियो यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, यानी कि अंधेरा हो चुका है। मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि अंधेरा हो जाएगा, बट कोशिश करूँगा अगर कुछ रहा तो फ्लैश ऑन करके शॉट लूँगा, यानी कि कुछ है या नहीं जो भी है। सो बस आराम नगर पहुँच चुका हूँ मेट्रो से एंड अभी हम कवर अप करेंगे, सो बने रहिए गाइज। इतना कुछ तो नहीं होगा बिकॉज आज संडे है, वीकेंड का संडे का डे है, तो संडे को मोस्टली ऑफिस बंद होता है, कास्टिंग ऑफिस एंड ऑल। बट कोशिश यही रहेगी कि मैं बाहर ही बाहर से आपको मेल आईडी या समथिंग रिगार्डिंग अपडेट्स दे दूं, बिकॉज आज मेरा शाम का ही वहाँ आना गाइस, सो मैं इसके लिए ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ। बाकी ये ग्राउंड आ गया है, ये आपको दिख रहा होगा ग्राउंड, यही ग्राउंड है मैं जो डे में आके हमेशा बनाता हूँ। या सामने मंदिर है, आर्या समाज मंदिर पार्ट वन में। ये क्या हो गया भाई, गाड़ी को, गाड़ी बंद पड़ गई है, गाड़ी बंद हो गई। अच्छा बैटरी डाउन है, तो नया बैटरी डाल दो यार सीधा। पहुँच गए दोस्तों, आगे मैं कवर अप करूँगा, एक्सप्लोर करूँगा और अपडेट्स रहा तो बाहर से मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगा गाइस। ये है ऊपर जो थिएटर ग्रुप में बताया कि रंगशीला, हाँ हाँ रंगशीला ही नाम है राइट, ये रंगशीला है थिएटर ग्रुप। शाम में देख सकते एक बंदा ऊपर है, वो भी टीम का ही होगा मे बी यार, जो भी है। एनी वे पार्ट वन है ये, अंदर तो जाऊँगा नहीं बिकॉज रात का मामला है। और बाहर से मैंने आपको तो ये दिखाया ये कास्टिंग की, वो एंटी कास्टिंग एंड ऑल, कुछ रहा तो वो मैं मेल आईडी कवर अप करूँगा गाइज। वैसे तो संडे है बट व्लॉग शूट कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो देख ही जाऊँगा डेफिनेटली। तुम्हारा भाई हमेशा देता ही है कुछ ना कुछ अपडेट। कास्टिंग क्यू, एंटी कास्टिंग, अंदर जाके मतलब नहीं, सीधा जाऊँगा पार्ट टू। गाइज ले लो यार, यहाँ से जा रहा हूँ तो ये अविनाश शर्मा, ये भी ले लो यार, यहीं से शुरू करता हूँ ना। कोई लोग हो सकते हैं कि मेरे यूट्यूब पर बहुत से लोग न्यू भी सब्सक्राइब किए होंगे तो ये नहीं देखे होंगे, देख लो। अब आगे जाएंगे पार्ट टू, अविनाश शर्मा का तो मैंने दिखा दिया, ये अविनाश शर्मा कास्टिंग ऑफिस है आराम नगर पार्ट वन, यानी कि ये मेल आईडी व्हाट्सएप नंबर सब है, प्रोफाइल बना के भेज दो एक्टर्स। और ये कह रहा हूँ कि पार्ट टू जा रहा हूँ अभी इस वक्त, पार्ट टू में एंटर करेंगे लेफ्ट मार के, तो देखते रहिए। और प्लीज़ यार तुम्हारा भाई जब भी आता है इंडस्ट्री के रिगार्डिंग मेहनत करता है गाइस। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि यार अच्छे लगे तो व्लॉग को शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट्स करो दोस्तों। अब गाइज ये वही रास्ता है जो आराम नगर पार्ट टू जाता है, कि जैसा कि मैंने हमेशा की तरह हर ब्लॉग्स में हर वीडियोस में बताया है कि यहाँ से हम जाते हैं और राइट मारते हैं तो पार्ट टू का एरिया जो है स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो ये पार्ट टू यहीं से लग जाता है बट अभी एंटर हो गए हैं तो अब डायरेक्ट मैं आगे जाऊँगा जहाँ कुछ मेल आई डी मिलेगा ऑफिस का, कास्टिंग ऑफिस का, तो वहीं पर मैं शॉट लूँगा यानी शूट करूँगा, ठीक है गाइज। जा रहा हूँ, आज बहुत ही सन्नाटा है यार बिकॉज संडे का दिन है और मेरे को आने भी ऐसा हो गया ना रैंडमली कि मैं क्या ही बताऊँ, तो मैंने सोचा कि चलो आया हूँ तो
कम से कम एक अपडेट तो लेके जाओ ना भाई आप लोग के लिए। अभी आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत तो कुछ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे बिकॉज लाइट का इशू, मैंने बताया कि रात हो जाएगा। बट ये आगे देख सकते हैं, ये क्रिएटिव अड्डा कैफ़े है। यहाँ अंदर तो मैं कुछ दिखा नहीं सकता गाइस, सीधा पार्ट टू अंदर चलूँगा ऑफिस के पास जहाँ कुछ मेल आईडी हो या कॉन्टैक्ट नंबर। अब देखो गाइस, क्योंकि रात का वक्त है यानी कि अभी 8 बज रहे रात के, तो फिर इतना तो अंधेरा हो गई। बाकी आप देख सकते हैं ये सामने जो है, यहाँ पे मैंने बताया है कि ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ है न्यू ऑफिस कास्टिंग बे का, सिखिया एंटरटेनमेंट के जस्ट बाजू में है। मिट्टी इतना वो नहीं है, पानी जैसा नहीं है बिकॉज बारिश नहीं हो रही है एक दो दिनों से, मतलब लाइटली बारिश हो रही है, तो उसके वजह से माहौल आने जाने का ठीक है। एनीवे मैं ये कह रहा था कि ये सामने कास्टिंग बे का न्यू ऑफिस है, यहाँ देखते हैं अगर इन्होंने कुछ अपडेट किया हो शायद कि प्रोफाइल भेज सकते हैं मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर, तो ये भी कवर अप करूँगा। बट देख के आता हूँ एक्चुअली मैं कि कुछ अपडेट्स है या नहीं, है ना गाइस। गाइस अभी जस्ट मैं गया था कास्टिंग बे ऑफिस पे विजिट किया, अंदर गया, टीम से मिला, हाय हेलो एंड ऑल, हाय सर मैं भी एक्टर हूँ, मेरा नाम अशफहान है, क्या कुछ है? तो उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। वैसे अशफहान हमारे वहाँ पे इंट्रोडक्शन होने वाला है, जल्दी शुरू करेंगे, तो उसका हमारा जो अपडेट्स होगा वो इनके सोशल मीडिया पेज पे यानी कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, है ना, यहाँ पे अपडेट्स आ जाएगा। तो आप उसके रिगार्डिंग सेंड कर सकते हैं मेल पे भी या यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं, जो भी अपडेट होगा बताएंगे। तो ये आराम नगर का ग्राउंड है गाइज, ये हमेशा की तरह मैं हर वीडियोज़ में जब भी आता हूँ, चाहे अब वो ऑडिशन देने के लिए आऊँ या पेमेंट के रिगार्डिंग या बहुत सारे दोस्तों से भी मुलाकात करनी होती है, तो इसके लिए आना हो जाता है। तो यही था, और आगे की तरफ देखता हूँ ये मुकेश छाबरा कास्टिंग ऑफिस और ये कुणाल अहमशाह कास्टिंग ऑफिस की तरफ, अगर कुछ रहा वहाँ पे न्यू अपडेट्स तो वो भी वीडियो में अपडेट्स देता हूँ। तो गाइज़ ये भी एक कास्टिंग ऑफिस है, tpwcasting@gmail.com ये इनका मेल आईडी है, और ये प्रोफाइल सेंड करने का QR कोड कहते हैं ना, स्कैनर टाइप वो है। एनीवे अब हम जा रहे हैं, ये पहुँच चुके हैं गाइज़ यानी कि मुकेश छाबरा कास्टिंग ऑफिस और कुणाल अहमशाह, और यहाँ पे राइट में ही एक दो कास्टिंग ऑफिस और है, वो देखेंगे वहाँ कुछ है तो अपडेट देता हूँ इस वीडियो में। और भैया जी कैसे हो, हाय कर दो। हाय। अब जो है, सलाम वालेकुम भाई। सलाम भाई, कैसे हैं? अल्लाह करम करम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? आपके चैनल को फॉलो करता हूँ मैं, आपको टेक्स्ट कैमरे में आइए ना भाई। हाँ हाँ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सब अच्छा है। आपके चैनल को फॉलो करता हूं मैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई में आया था, मैंने आपको टेक्स्ट भी किया था इंस्टाग्राम पे। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने पूछा था आपसे कि हम जो है वो कहाँ पे रूम ले सकते हैं, ये एरिया से पीजी वगैरह रहने के लिए, मतलब कहाँ रह सकते हैं। चलो आज अच्छा मुलाकात हो गई यार, मुझे भी गले से लगा था एक बार भाई। मैं आपको आज से फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ 2020 से, जब आपके बाल एकदम स्ट्रेट थे और पतले दुबले थे। हाँ, क्या बात है यार भाई, अच्छा लग रहा है मिलके इतने सालों बाद। और आपको मैं देख लिया, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया शुक्रिया। मैं ये कहना चाहता हूँ आगे बढ़ो, आप भी मेहनत करो, अल्लाह हम दोनों को कामयाब करे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज भाई। तो ये भाई मिल गया यार, इनसे बात करके दिल को बहुत ही सुकून मिला यार गाइस, क्योंकि ये मुझे तब से देख रहे हैं ना गाइस, मतलब जब मैं शुरू किया था वीडियो बनाना, एक्सप्लोर करना सारी चीज़ें, यानी कि 3 साल पहले से गाइस मुझे ये भाई फॉलो कर रहे हैं, और मिलकर इतना अच्छा लग रहा है ना कि वाकई में मैं क्या कहूँ। बस ये कहना चाहता हूँ कि यही मोहब्बत है, यही प्यार है, यही एक एकता का पैगाम देना चाहता हूँ, और ये आप लोग प्लीज़ प्यार देते रहिए चैनल को भी, सबको कामयाबी मिले जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं शिद्दत से मुंबई में एंड ऑल। ये बता रहा हूँ कि ये सामने मुकेश छाबरा कास्टिंग ऑफिस, संडे मैंने कहा कि बंद रहेगा, बट इनका जो ऑफिस का मेल आईडी मैंने बताया और इंट्रोडक्शन चलता भी है। हाँ, ये अंदर जो आवाज़ें आ रही है, यहाँ प्ले होती है गाइस, प्ले चलती है यानी कि थिएटर होती है दबा के, है ना। और यहाँ देख लेते ग्राउंड मार के, आज तो भाई आज की रात आराम नगर के नाम। अब यहाँ आगे की तरफ देख रहे, कुछ रहा तो डेफिनेटली कवर अप करूँगा। बाकी यार मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब ज़्यादा कुछ है नहीं। कौन है भाई ठक ठक कर रहा है? अच्छा वहाँ पे कोई है। अच्छा यहाँ भी प्लेस होता है गाइस, यहाँ देख सकते हैं, ये बैक साइड देख रहे हैं आप, ये भी एक थिएटर मतलब प्लेस होते हैं, ऑडिटोरियम है अंदर, इनसाइड दिस ऑडिटोरियम इज़ देयर एंड थिएटर भी होता है, रिहर्सल्स भी होता है। गाइज मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, ये एक अपडेट वाला वीडियो था फॉर एवरी एक्टर जो अभी है फिलहाल, है ना। तो ये सभी एक्टर्स के लिए, मेरे भाई लोग के लिए, मेरे चाहने वाले लोगों के लिए, मेरे ना चाहने वाले लोगों के लिए है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो गाइज, लोग सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते बहुत जल्द कोई नए वीडियो के साथ।
लव यू।